हे गाइस, भारत गुलाम कैसे बना? इस टॉपिक को समझने के लिए एक इमेजिन कीजिए कि आज के आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, हर राज्य पर से उसका कंट्रोल हट जाए, हर राज्य का सीएम खुद को किंग बना ले, तो सबसे पहले लोग दिल्ली की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए अटैक कर देंगे या नहीं कर देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी छीन लो, बाद में धीरे धीरे राज्यों पर सब पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यही हुआ था, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि गुप्त डायनेस्टी कितना ज़्यादा स्ट्रांग थी। हमने पूरा कॉन्सेप्ट स्टोरी वाइज समझा था। उसके बाद एक राजा हुआ था पुष्यभूति वंश का, हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन जी हार गए तो जो केंद्रीकृत ढांचा था यह पूरा बिखर गया, टूट गया उस टाइम पे। अब जो वहाँ पे यूपी बिहार हो गया, पाकिस्तान हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, जो वहाँ के शासक थे जिन्होंने स्वाधीनता स्वीकार की थी इन राजाओं की, उन्होंने अपने आप को पूरा स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहा कि भाई अब तो हम तो किंग है, ये हमारा पूरा स्वतंत्र राज्य है, अब मुझे यहाँ से दूसरे राज्य से कोई लेना देना नहीं है। वो चीज पूरी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। अब जैसे मान लो कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर पर कोई अटैक हो जाए तो कोई जाए वहां पे, कोई जाता मदद करने? अगर कोई गुजरात पर अटैक करे तो उसे भी वो हरा देगा, क्योंकि अब कोई भी लड़ाई करेगा तो उसकी लड़ाई कहाँ से होगी? सिर्फ एक स्टेट से होगी, पूरे इंडिया से नहीं होगी। इंडिया पूरा टूटने लगा था। आज के बाद भारत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में टूट गया। उत्तर भारत में बंगाल पर शासन हो गया था पाल वंश का, मतलब मात्र एक स्टेट में। अच्छा, कहा जाता है कि जो बंगाल में जो हिस्ट्री में जो पहला प्रमाणित राजा मिला हुआ है उसका नाम था शशांक। शशांक बहुत ज्यादा स्ट्रांग राजा था। कहते हैं कि जब तक वो जिंदा था हर्षवर्धन जी उसको नहीं हरा पाए थे, लेकिन जब वो मर गया तब जाके हर्षवर्धन ने बंगाल पर कब्जा किया था। हर्षवर्धन के बाद फिर क्या हुआ था कि बंगाल पर एक वंश उभरा, उसका नाम था पाल वंश, और उसकी स्थापना गोपाल ने की थी। उसके बाद वहां पे धर्मपाल जी आए, उसके बाद उनके बेटे थे देवपाल, ये सब स्ट्रांग थे तो था यहीं पे। और यूपी, अब आप लोगों ने देख रखा है कि भारत कई टुकड़ों में टूट गया था। यूपी पे शासन हो गया था चंदेल वंश का, उसके बाद एमपी पर शासन हो गया था परमार वंश का, इसके बाद गुर्जर या प्रतिहार वंश का राजस्थान में, चौहान वंश का दिल्ली और राजस्थान में। ये तो कुछ है, पूरे भारत जो है, पूरा भारत जो है कई भागों में टूटा, साउथ में भी टूटा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पर शासन था राष्ट्रकूटों का। अच्छा, आप लोग देखो कि जो राष्ट्रकूट थे, पाल वंश थे, प्रतिहार वंश थे, ये आपस में बहुत कंपटीशन करते थे कि जो उत्तर भारत मैदानी इलाका है, गंगा यमुना का जो दुआबी क्षेत्र है, यहाँ पर, यहाँ का एरिया पाने के लिए तीनों में हमेशा बहुत लड़ाई होती रहती थी और बहुत ज्यादा कंपटीशन थी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्या था जो भाई जो यहाँ का इलाका पाने के लिए लड़ाई करते थे? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था, ऐसे इलाके साउथ में कहीं नहीं थे। साउथ के लोग भी यहाँ पे आके आक्रमण करते थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर जहाँ पे अच्छा होगा टैक्स ज्यादा मिलेगा, लोग ज्यादा स्ट्रांग होंगे, है कि नहीं? अच्छा, आगे देखो कि जो इंडिया था वो आंध्र और तमिल में किसका शासन था? पल्लव वंश का। साउथ में जो चोल वंश थे उनका शासन था आंध्र और उत्तरी तमिल साइड में था। अब एक बात बताओ, अगर कोई विदेशी आक्रमण करे तो उसका सामना एक राज्य से होगा या पूरे इंडिया से होगा? एक राज्य से होगा, हराना आसान होगा, लेकिन तब भी जो साउथ में एक जो चोल वंश था, आप देख रहे हैं चोलों के राजा राज राज फर्स्ट की तुलना भगवान राम से की जाती है। भगवान राम जी बंदरों की सेना लेकर श्रीलंका पर अटैक करने गए थे, चोल शासक राज राज फर्स्ट श्रीलंका पर अटैक करके जीत लिया था, और इसी खुशी में उन्होंने इसकी राजधानी क्या बनाई थी? तंजौर। तंजौर में राज राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर नाम का एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाना है इन्होंने। अच्छा, इसी वंश का एक राजा था, बहुत ही स्ट्रांग था, उसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। पूरा का पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, बंगाल सब इनके कब्जे में था। म्यांमार को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। आप समझ रहे हैं कितने स्ट्रांग थे ये लोग, नेवी आर्मी सब कुछ स्ट्रांग थी लोग। जब राजेंद्र फर्स्ट किंग थे तो साउथ में, ये साउथ में किंग थे तो उत्तर भारत को कौन लूट रहा था? महमूद गजनवी। 1 घंटे गजनवी इनका सामना नहीं कर सकता था, पर समस्या ये थी कि एक की प्रॉब्लम से दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब गोरी, मोहम्मद जो गोरी था, लड़ रहा था चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान से, तो उसकी लड़ाई दिल्ली और राजस्थान के शासक से थी, ना कि पूरे इंडिया से। अच्छा सोचो जरा कि भाई यहाँ पे यदि पूरा इंडिया होता, पूरे इंडिया एक राजा होता, पूरा इंडिया एक कब्जे में होता, तो इंडिया को कोई हरा सकता था?
यदि सोचो जरा, इस टाइम पे गुप्त डायनेस्टी होती तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारते। उस टाइम पे भी उन्होंने जो उस टाइम पे जो विदेशी शासक थे उन लोगों को बहुत ज्यादा पिटाई की थी। तो यहाँ पे सब टूट गया था। इसीलिए कहते हैं कि यूनिटी में क्या होती है, स्ट्रांग पावर होती है। और जितनी बार यूनिटी में कमी आई है इंडिया में, उतनी बार क्या होता है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई थी, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंडिया क्या हो गया था, टूट गया था। अब अगर ये शासक जो थे, यदि पूरे भारत के शासक होते तो आपको लग, अच्छा यही शासक, जैसे मान लो कि भाई राजेंद्र फर्स्ट हो गए, यही शासक, कोई भी शासक ले लो, पूरे इंडिया के शासक होते, स्ट्रांग लोग थे सारे, तो कोई गुलाम बना सकता था। अब देखो यहाँ पे तो ये हुआ, लेकिन इसका फायदा किसने उठाया, सेंट्रल एशिया के लोगों ने। परेशानी ये हुई कि जब भारत टूटने लगा तो सेम टाइम पर मोहम्मद साहब ने सेंट्रल एशिया में इस्लामिक एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया। उधर इस्लामिक एम्पायर ताकतवर होगा, इधर भारत का एम्पायर टूट जाएगा और इस्लामिक एम्पायर धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लेगा। अच्छा आपको तो याद होगा कि जो मोहम्मद गोरी थे, इनका कहाँ पे कंट्रोल था, नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल था। ऐबक हुए, नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। इन्तुतमिश थे, नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। बलबन थे, नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल। लेकिन जो खिलजी आए, पूरे इंडिया पर कंट्रोल हो गया। तुगलक वंश था, पूरे इंडिया पर कंट्रोल हो गया। बाकी पूरी इंडिया कौन कंट्रोल कर लेगा, मुगल कंट्रोल कर लेंगे। मतलब भारत जो था वो कमजोर हो गया था। और यहीं से हमने मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे आगे। यहाँ पर आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया कब, कैसे, किन परिस्थितियों में गुलाम बना था, है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में पूरा समझा दिया है कि गुप्त डायनेस्टी के बारे में मौर्य कितना स्ट्रांग थी, जाके आप लोग देखिए। ये आज एंशियंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास थी। मतलब इसके बाद अब हम लोग कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरी सीरीज खत्म होती है। मैंने पूरा है एंशियंट हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझा दिया। आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में आप लोग तुरंत एकदम सही टिक मार कर आओगे। तो आप लोग जाइए वीडियो देखिए, और वीडियो यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप लोग ऐसा वीडियो और भी चाहते हैं तो आप लोग हमारा सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। हम लोग हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे आप लोगों को नॉलेज जरूर देंगे, ठीक है। एकदम बेस्ट नॉलेज होगा, बेस्ट एनालिसिस होगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।